हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका डीपीडी पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लेके आ गया हूँ मेजरमेंट एंड यूनिट। अगर पार्ट वन आपने नहीं देखा तो पार्ट वन आप प्लीज देख लीजिए, क्योंकि तो उसमें फंडामेंटल्स कितने होते हैं मैं उसे बताने की कोशिश किया हूँ। ये हमारा पार्ट टू है। हम लोग करीब 40 मेजरमेंट एंड यूनिट करने वाले, 40 हो ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ क्वान्टिटी, एक कर दिया यूनिट ठीक है। तो मेरा जो दिया हुआ चार्ज का जो यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है ठीक है। लेकिन बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है दोस्तों ना, कंफ्यूजन करने के लिए आपको कूलम्ब दे देगा और बोलेगा कि क्वांटिटी बताइए क्या है। कूलम्ब किसी क्वांटिटी है तो आपको बताना होगा कि चार्ज की है ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एरो दिया, इधर भी एरो दिया ठीक है। एरिया का क्या होगा दोस्तों, एरिया का क्या होगा स्क्वायर मीटर। चार्ज का क्या होगा, कूलम्ब ठीक है। वॉल्यूम का दोस्तों क्या होता है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, कुल हर तरह का मतलब वॉल्यूम, उसको कहते हैं क्यूबिक मीटर ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्यूबिक मीटर, मीटर पर सेकेंड ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ठीक है। उसी तरह वेट क्या होता है, वेट कैसे नापते हैं, न्यूटन से बोलते हैं चाहे केजी बोलते हैं, न्यूटन भी बोल सकते हैं चाहे उसको केजी भी बोल सकते हैं। वेट मेजरमेंट के लिए अगर वेट दिया होगा यूनिट तो हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी बोला निकालने का तो वेट बोल सकते हैं न्यूटन ठीक है। इंपल्स का अगर यूनिट बोलेगा तो क्या बोलेंगे, इंपल्स का जो यूनिट होगा न्यूटन सेकंड होगा। अगर बोलेगा न्यूटन सेकंड जो यूनिट है उसका क्वांटिटी क्या होगा तो इंपल्स होगा ठीक है। आइए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसी तरह फ्रीक्वेंसी में कैसे मेजर करते हैं, कैसे उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट होता है हर्ट्ज ठीक है। एच ई आर टी हर्ट्ज लिखा हुआ है और उसका पूरी करेंगे फ्रीक्वेंसी ठीक है। पास्कल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है दोस्तों पास्कल, PSCL पास्कल ठीक है। पास्कल होता है, इसका यूनिट होता है, अगर पास्कल दिया होगा यूनिट में तो सर क्वांटिटी क्या होगा, प्रेशर होगा ठीक है। उसी प्रकार पावर क्या होगा दोस्तों, पावर होता है वाट, और वाट का क्या हो जाएगा दोस्तों, पावर हो जाएगा ठीक है। उसी फिर दिया दोस्तों फोर्स, फोर्स का क्या होगा दोस्तों, न्यूटन, और न्यूटन क्या क्या हो जाएगा, फोर्स। आइए आप लोग को समझ में आ रहा होगा ठीक है। इधर मैं 10 का चुका हूँ, 10 हम लोग इधर करने की कोशिश करते हैं ठीक है। इधर क्या दिया हुआ क्वांटिटी यूनिट, एक्सीलरेशन का क्या होता है दोस्तों, एक्सीलरेशन यहीं पे याद करने की कोशिश करेंगे। एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या ही एक्सीलरेशन का यूनिट है। उसी प्रकार दोस्तों डेंसिटी का क्या होगा, डेंसिटी का जो दोस्तों होता है यूनिट क्या होता है, केजी किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब ठीक है। मोमेंटम का क्या होगा, तो मोमेंटम की किलोग्राम पर मीटर सेकेंड ठीक है। वर्क एनर्जी हीट ये तीनों का दोस्तों क्या होता है, जूल। तीनों का क्या होगा, जूल हो जाएगा, क्या होगा, जूल। तीनों का क्या होगा, जूल होगा, वर्क का, एनर्जी का, हीट का ठीक है। विस्कोसिटी क्या होगा, दिया हुआ है यहाँ पे सरफेस टेंशन का दोस्तों क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन क्वांटिटी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होगा, उसका यूनिट हो जाएगा ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी दोस्तों क्या होगा, तुम्हारा रेडियन भी बोल सकते हैं, रेडियन पर सेकेंड होगा। एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या होगा दोस्तों, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मतलब समझ जाओ कि आपको टेम्परेचर है, और टेम्परेचर क्या होता है आपको सबको पता होगा, टेम्परेचर का दोस्तों होता है केल्विन ठीक है। आई होप आप लोग को 20 समझ में आया होगा, बस आप लोग को याद करना है, आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं 20 मेजरमेंट एंड यूनिट के नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।